Hey, WhatsApp guys, तो कैसे हो? स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइज, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मैं आउट ऑफ द टाउन था, बट अब मैं वापस आ चुका हूँ तो आपको फटाफट से वीडियो देखने को मिल जाएगी। जितने भी टॉपिक छूट गए हैं उन पे मैं वीडियो आगे लाता रहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो को। तो आज मैं बात बना रहा हूँ आपको जेन जियान के टॉप 5 चाइनीज ड्रामाज की। जेन जियान वन ऑफ द फाइनेस्ट चाइनीज एक्टर हैं, चाइनीज इंडस्ट्री जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसके, क्योंकि इनको आप रोमांटिक रोल दे दीजिए, आप इनको हिस्टोरिकल रोल दे दीजिए, ये सारे रोल में बेस्ट परफॉर्म देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो फर्स्ट ड्रामा जो निकल के आता है उसका नाम है हैंडसम सिबलिंग। ये आपका 2020 में रिलीज हुआ था और ये आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा। इसमें टोटल 40 एपिसोड्स हैं तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड ड्रामा की ओर। जो ड्रामा निकल के आता है स्वॉर्ड एंड द फेरी 4। बेसिकली ये ड्रामा आपका 2024 में रिलीज हुआ था और ये आपको IQ प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाएगा, जिसमें टोटल 44 एपिसोड्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड ड्रामा की ओर। जो ड्रामा निकल के आता है आवर सीक्रेट, ये आपका 2021 में रिलीज हुआ था, इसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं और ये आपको Amazon Prime TV पे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ ड्रामा की ओर। जो फोर्थ ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है हिडन लव। ये आपको YQ के प्लेटफॉर्म पर इसके 2 एपिसोड हिंदी में देखने को मिल जाएंगे और बाकी के एपिसोड भी आपको इंग्लिश या चाइनीज डब में देखने को मिल जाएंगे। इसमें टोटल 25 एपिसोड है तो इसको भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं फिर ड्रामा की ओर। जो फिर ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है विनर इज किंग। ये आपको अमेजोन प्राइम पर देखने को मिल जाएगा तो इसको भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसमें टोटल 40 एपिसोड्स हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। गुड बाय। जय हिंद।